आपके तरफ पूरा हवा पर आए, अगले दिन हवा पूरा पलट जाएगा। तो ये इज्जत है, है? हमारे प्रति यही परसेप्शन जो है आपका जो है ऊपर लेवल पे है, और जब तक इस परसेप्शन को नहीं चेंज किया जाएगा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब ये प्रतिनिधित्व पे आते हैं, बिहार में हमारी आबादी जो है 10-10.5% जो है हम लोग जो है बात करते हैं। अति पिछड़ा का अगर टोटल आबादी की बात किया जाए तो 35-40% आबादी है। लेकिन आप ये बताइए कि 10% के हिसाब से आपका 24 विधायक है, है? आपका विधायक कितना है? आपका विधायक है 6-7, और वो भी 6-7 विधायक ऐसा है जो आपके समाज का नहीं है, वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, बस वो पार्टी का आदमी है, आपके समाज का आदमी नहीं है। अति पिछड़ा समाज का कम से कम बिहार में 90 विधायक होना चाहिए। कितना विधायक है? 30 भी नहीं क्रॉस करता है, है? एक आध दबंग जाति का विधायक, उससे पूरा अति पिछड़ा से 35% से ज्यादा, इसका 4% आबादी है, उसका जो है 25-30 विधायक है, और आपका 35% आबादी है, उसका जो है 20 विधायक है। तो ये क्या है? ये दुर्भाग्य, इसको बोलते दुर्भाग्य। और ये दुर्भाग्य जो है उसमें उसका दोष नहीं है, दोष हमारा है, हम कभी किसी और को दोष नहीं देता भाई। उसका क्या है? अरे मजबूत है, दबंग है, उसको चुनाव लड़ना है, उसको चुनाव जीतना है, खर्चा करेगा ही, क्यों नहीं चाहता हम एमपी बने, एमएलए बने, सब पे जो राज करें। गलती हमारी है, हम उसको राज करने का मौका देते हैं। पिछड़ा का वोट जो है पिछड़ों के हित के लिए होना चाहिए, धानु समाज का वोट जो है धानु समाज के हित के लिए होना चाहिए। आप किसी को भी वोट दीजिए, सबसे पहले देखिए आपका हित और अहित किस में है, और उसी को देख के आप वोट कीजिए। अगर आप जो है 200-500 में जो है वोट दीजिएगा, मटन पार्टी के चक्कर में वोट दीजिएगा, तो क्या होगा? वो तो एक दिन मटन खिलाएगा, रोज मटन थोड़ी खिलाने आता आपको, है? और देखिए आप पे 500 रुपया खर्च करता और 5 साल में 500 करोड़ रुपया कमाता है, है? आप पे 500 रुपया खर्च कर 5 साल में 500 करोड़ रुपया कमाता है। आनंद सिंह कौन बना? यही जनता बनाया है, आप ही लोगों ने उसे वोट देके बनाया है, है? आनंद सिंह, सूरज भाभी, देखिए मुंगेर लोकसभा की जो बात हो रही है तो मुझे तो बहुत अजीब सा बात लगता है कि जहाँ पे जिस लोकसभा में एक नंबर पे धानु समाज की आबादी है, अति पिछड़े में और जो है कुछ जैसे जो है नए दलित में जो जाति जैसे हुए हैं, तांती हुए हैं, उन लोग का भी अच्छा आबादी है, उन लोग को सबको कंबाइन अगर कर दिया जाए तो लगभग 55% आबादी जो है अति पिछड़ा धानु समाज की है। कहने का मतलब है अगर 15 लाख वोट है हम लोग का इस लोकसभा में, तो 8 लाख जो है आपका जो है अति पिछड़ा है, दलित महादलित जोड़िए तो उसका तो फिर अलग जो है और जो 10 लाख से ऊपर जो क्रॉस कर जाएगा, और अकेले जो सिंगल लार्जेस्ट जो यहाँ कास्ट है वह धानु समाज है। लेकिन मीडिया से ले करके टॉप लेवल पे कहीं पे हमारी कोई चर्चा नहीं होता। यहाँ चर्चा क्या होता है? सूरजभान सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे सूरजभान सिंह कौन है? सूरजभान सिंह कौन है? अपराधी है, गुंडा है, क्या है वो? लेकिन उसकी चर्चा होती है। क्यों होती है उसकी चर्चा? क्योंकि वो मजबूत है, उसको भी कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जितना पिछड़ा है समय से हर गांव से 2-4 जो है नेता को जो है निकालेंगे, लोभी लालची नेता को, सबको 20,000, 50,000, 1 लाख करके देंगे और सब गरीब गुरबा का वोट ले लेंगे। अब वो 4 आदमी जो है 5 साल आपका जो है आवाज़ को दबाएगा, पैसा लेकर के वोट कराया दबाएगा ही आपका। आप मान लीजिए अगर वो पैसा खर्च करके आपसे वोट लिया तो आपकी बात क्यों सुनेगा? हम भी अगर मान लीजिए पैसा खर्च के वोट लेंगे, हम भी आपका बात क्यों सुनेंगे? सिंपल स्टेटमेंट है, नहीं सुनेंगे। क्या मतलब है? तुम्हारा वोट जो है पैसा पे जब बिकेगा तो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? और जहां तक तो मुंगेर लोकसभा का बात है, तब समझिए यहां से जो चुनाव लड़ने के लिए सूरजभान सिंह है, आनंद सिंह का नाम आता है और अन्य बाहुबली सामंती लोगों का नाम आता है। तो क्या है? मुझे ये कहना है कि बाकी लोग का कोई वजूद नहीं है क्या? यहाँ पे और लोग नहीं है? वोट जो है वही लोग खाली देता है कि आप लोग भी देते हैं? यहाँ पे आप लोग का जो आबादी है तो आप लोग का ना नेता होगा। अरे वो जीत के क्या करेगा? वो जीत के अपना जितना भी गुंडा है उसको ठेका देगा, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ का टेंडर लेगा, वो बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो फॉर्चुनर लेगा, आपको क्या मिलेगा? बड़ा बड़ा गाड़ी उसका लोग खरीदेगा, या तो वो तो उसका पास तो ऑलरेडी है ही, उसका जो चेला बेला है वो सब खरीदेगा, आपको क्या देगा वो? आपको कुछ नहीं देगा, आपको मीठ भात बस खिलाएगा, वो भी चुनाव से एक दिन पहले। उसके बाद साल भर क्या, 5 साल में एक बार भी अगर बीच में आ जाए कोई पार्टी दे तो हमको बताइएगा। तो ये जो है इतना जो है दिक्कत वाला बात क्यों है? मतलब इतना जो है मतलब तो भयावह स्थिति क्यों है? भयावह स्थिति का 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि हम लोग का मॉरल जो है ना, मोरालिटी जो है ना, मॉरल